अमेजिंग पीपल आई होप कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है आपसे बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज की वीडियो में मैं बात करूँगा जर्मनी के नए वीज़ा के बारे में जिसको बोलते हैं जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड और इसको हम शान सिन के नाम से भी जानते हैं जो कि जर्मनी में अपॉर्चुनिटी कार्ड को शान सिन बोलते हैं और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनली आप अपॉर्चुनिटी कार्ड की अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं मैं आपको ऑनलाइन लेकर चलूँगा एंड ऑनलाइन ही मैं आपको दिखाऊँगा ताकि उससे आज आपको बहुत आसानी होगी अपनी खुद की अपॉर्चुनिटी कार्ड की अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए तो बहुत ज़्यादा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है तो इसको पूरे एंड तक देखना तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और मैं बताना चाहता हूँ कि जब से पोर्टल लॉन्च हुआ है शुरू हुआ है तब से हमने हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स की अपॉइंटमेंट बुक भी कर दी है हमें अपॉइंटमेंट कॉन्फर्मेशन भी आ चुकी है तो अगर आपको भी चाहिए कि हम आपकी अपॉइंट बुक करें आपकी मदद करें अपॉइंट बुक करने में वीज़ा लगाने में तो हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं बिकॉज़ हमने ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स की बुक कर ली है बिकॉज हमने बहुत बार बताया कि हम इस वीज़ा को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं हमें सारी चीज़ें पता होती हैं कि कैसे अपॉइंटमेंट बुक करनी है कैसे आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट मिलेगा कैसे आपको वीज़ा मिलेगा क्या क्या करना है तो अगर आपका भी ये सपना है कि आपको भी वीज़ा मिले तो आप खुद से अप्लाई कीजिए बहुत अच्छी बात है बट कोई कन्फ्यूजन है अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए हम आपको अपॉइंटमेंट दिलाएंगे अगर आपको ये वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए भी आपकी मदद करेंगे तो आपको ये वीज़ा भी हम गारंटी के साथ दिला देंगे तो कोई भी आपका गोल हो हमें कु, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है हम आपकी पूरी मदद करेंगे और साथ में आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ज़रूर देखना फ्यूचर अब्रॉड ट्वेंटी फाइव हम हमेशा बता दें कि हम भी जर्मनी में रहते हैं हमने बहुत सारी वीडियोस एंड पिक्चर्स पोस्ट की हुई है तो अगर हम जर्मनी में रहते हैं तो आपको भी जर्मनी का वीज़ा इजीली अपॉर्चुनिटी कार्ड दिला देंगे और अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हो सो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना बिकॉज हम अपॉर्चुनिटी कार्ड को लेकर और भी वीडियोज़ लेकर हम वीडियोज़ बनाते रहते हैं टॉपिक पर तो उससे आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ती है सो सुनाओ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टड सुनाओ वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं हमारे भारत के सभी लोगों को बताना चाहता हूं और जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं जैसे बांग्लादेश से हो गए श्रीलंका से हो गए नेपाल से हो गए पाकिस्तान से हो गए भूटान से हो गए और कनाडा में हमारे जो लोग रहते हैं किसी भी कंट्री में अगर आप रहते हो तो इस टाइम जर्मनी का जो जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड है ये दुनिया का सबसे अच्छा वीज़ा है एंड इसको अप्लाई करके आप जर्मनी में आ सकते हो एंड जॉब करके अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हो तो अब जैसे मैंने बताया था कि हमने पहले भी ये वीज़ा दिलाया हुआ है तो हमें पता होता है कैसे अपॉइंट बुक करनी है तो यही प्रोसेस मैं आपको ऑनलाइन दिखाने वाला हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा एंड मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इसका जो पोर्टल है वो वी ही है तो वी की साइट पर हमें जाना होगा एंड वहीं पर आपको अपॉइंमेंट बुक करनी होगी तो अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करता आपको ऑनलाइन लेकर चलता हूँ वहीं पर आपको दिखाता हूँ उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है, जो मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको आपसे कोई दिक्कत ना हो कोई गलती ना हो सुनाओ लेट मी शो यू ऑनलाइन सुनाओ अब मैं आपको चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे आपको शान कार्ड अपॉर्चुनिटी कार्ड की अपॉइंटमेंट मिल सकती है ऑनलाइन तो पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर टाइप करना है वी एफ एस जर्वनी अपॉइंटमेंट टाइप करना है उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो पहला ऑप्शन आपके पास आएगा इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाएगा एंड यहाँ पर ऑप्शन आ गया बुक एन अपॉइंटमेंट तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है बुक नाउ पर जैसे आप बुक करोगे उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने और इस पेज को आपको ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उनको ये समझना ज़रूरी होगा कि आपको सबसे पहले अपना अकाउंट ओपन करना होगा और अकाउंट ओपन करने के लिए यहां पर लिखा हुआ है आई डोंट हैव एन अकाउंट तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा उसके बाद फिर आपके जो भी ईमेल आईडी आप डालोगे उस पर एक ईमेल आएगा उस पर क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो मैंने क्या किया पहले अकाउंट बना लिया है तो मेन चीज है कि आपको ई मेल डालना है इसके अंदर तो मैं जैसे पुट कर रहा हूँ इसके अंदर सो मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो जो नेक्स्ट पेज है वो अब आपके सामने ओपन हो चुका है तो अब ऐसे आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है स्टार्ट न्यू बुकिंग पर जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस अब नज़र आ रहे हैं अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए तो इस तरीके का इंटरफेस जब आपके सामने ओपन हो जाएगा तो उसमें आपको ध्यान रखना है एक एक चीज़ को ध्यान से समझना है चूज़ योर एप्लीकेशन सेंटर यानी कि यहाँ पर आप देखोगे तो सारी लिस्ट आ गई भारत के अंदर जिस जिस स्टेट में भी ये जो जर्मनी के वी सेंटर है या एम्बेसी है या कौनसलेट है सबकी लिस्ट यहाँ पर आपको शो होने लग गई है तो जिस भी भारत के राज्य में आप रहते हो आपको ध्यान से देखना है कि आपका स्टेट का जूरिजेशन कहाँ पर आता है जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं जर्मन एम्बेसी जो डेली में उसके अंदर ग्यारह स्टेट्स आते हैं पंजाब भी आता है दिल्ली भी आता है और भी स्टेट्स आते हैं तो एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं अगर हमें दिल्ली के लिए बुक करनी है अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो उसके लिए क्या आपको सबसे पहले ध्यान रखना है जिससे आपको क्लियर रहे तो सबसे पहले हम न्यू डेली पर आते हैं तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि दो ऑप्शन है न्यू डेली द जर्मन एम्बे एम्बेसी जर्मनी न्यू डेली वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ये वी का सेंटर है ये एम्बेसी है तो आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आपको अपॉइंटमेंट uh, चाहिए तो आपको जर्मन एम्बेसी का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा यहाँ से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी तो हम जब इस पर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे ये नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाने लगेगा तो इस नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है चूज़ योर अपॉइंटमेंट कैटेगरी और इसमें ही जो अपॉर्चुनिटी कार्ड की कैटेगरी है वो दी गई है जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि पहला ऑप्शन ही आ गया है नेशनल वीज़ा स्टे मोर देन 90 डेज अपॉर्चुनिटी कार्ड तो ये अपॉर्चुनिटी कार्ड का ऑप्शन आ गया है ये पहले जॉब सीकर वीज़ा का हुआ करता था उसको चेंज कर दिया है, तो आप देख सकते हो और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अपॉर्चुनिटी कार्ड तो जब इस पर हम क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन चीज़ दिखाता है आपको और आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर क्लियरली यहाँ पर सब कैटेगरीज ने पिक कर लिए और यहाँ पर ये शो कर रहा है करंटली नो स्लॉट्स आर अवेलेबल फॉर सिलेक्टेड कैटेगरी प्लीज़ कंफर्म वेट लिस्ट टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि इस वीज़ा को अगर आपको अप्लाई करना तो फ़िलहाल अभी अपॉइंटमेंट इनके पास नहीं है तो इन्होंने ये वेट लिस्ट शुरू कर दिया जैसे जॉब सीकर वीज़ा के लिए थी तो घबराने की कोई बात नहीं आप यहाँ पर जब क्लिक करोगे उसके बाद कॉन्टिन्यू करोगे कॉन्टिन्यू क्लिक करने के बाद आप देखोगे तो उसमें नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है इसके अंदर और इन्फॉर्मेशन फिल करोगे तो ही आपको एम्बेसी को पता चलेगा वेट लिस्ट में आपका जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है ये आप खुद से भी कर सकते हैं मेरा मेरा मकसद आपको दिखाना कि आपको कैसे अपॉइंट बुक करनी है उसके बाद सेव करोगे तो जो भी ईमेल आईडी आप डालोगे उस ईमेल आईडी पर कॉन्फर्मेशन आ जाएगा कि आपका हमने वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है तो इसमें बताना चाहता हूँ कि क्योंकि सबको पता चल चुका है रश हो चुका है तो इसलिए वेट लिस्ट में आ गया बट जैसे मैंने बताया था कि हमने अपने क्लाइंट्स को अपॉइंटमेंट दिला दिया बिकॉज शुरू में हमने अप्लाई कर दिया था तो हमें मिल गई थी अपॉइंटमेंट तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपको इसकी अपॉइंटमेंट जल्दी से जल्दी दिला देंगे ताकि आपको परेशानी नहीं होगी और आपका जो सपना है जर्मनी में आने का पूरा हो जाएगा तो इस तरीके से आप देख सकते हो क्लियर मैंने बता दिया है और दिल्ली का एग्जाम्पल दे मैंने आपको सिखाया है बताया इसके अंदर तो इसका आपको ध्यान रखना है सुनाओ आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक स्टेप के बारे में बता दिया है तो बस अब आपको पता चल चुका है आप दिल्ली में रहते हो किसी और स्टेट में रहते हो कहीं पर भी रहते हो आपको अपना जू देखना है किस स्टेट में और उसके अंदर कौन सी एंबेसी या काउंसलेट आता है वो आपको चूज़ करना है एंड उसके बाद फिर सही लोकेशन पर आपको अपनी अपॉइंट बुक करनी ताकि आपसे कोई गलती ना हो एंड जब आपकी अपॉइंट बुक हो जाएगी उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आप अपना प्रोसेस खुद से कर सकते हो और जैसे मैंने हमेशा बताया कि हम भी बहुत एक्सपर्ट हैं तो अगर आपको वीज़ा चाहिए गारंटी के साथ अपॉर्चुनिटी कार्ड तो आप नंबर हमारा स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी टीम को अभी कॉन्टैक्ट कीजिए हम आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको वीज़ा दिलाएंगे एंड उसके बाद आपके सपने पूरे हो जाएंगे उसके बाद जर्मनी जाकर आप लाइफ टाइम के लिए सेटल हो सकते हो और हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट जरूर देख लेना ताकि उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी हम जर्मनी में रहते हैं तो आपको भी जर्मनी का वीज़ा दिला सकते हैं एंड साथ में जब जर्मनी आप जाओगे तो आपको घर दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं आपको जॉब कैसे मिलती है वो बता सकते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो सो so, अगर आपके वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लॉक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए